मेरे दोस्तों की हमेशा डिमांड रहती है कि हफ्ते में एक बार तो हम सबका रीयूनियन होना ही चाहिए। क्या है? जब मैं होता ना उनके साथ ग्रुप में और जब हमारा रीयूनियन होता है ना, तो मेरी हंसी के कारण उनकी भी हंसी छूट जाती है और फिर बाद में सारे टेंशन लोग भूल जाते हैं और फिर सब अपने अपने घर चले जाते हैं हंसते हंसते। यही तो होता है रीयूनियन का फायदा। जिंदगी की किताब में बहुत सी कहानियां जुड़ती चली जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी कहानी होती है जिसे हर लम्हा याद करके दोहराया जाता है। एक ऐसी ही कहानी डांस इंडिया डांस के मंच पर 12 साल बाद दोहराई गई, जिस मंच पर अब रेमो डिसूजा के साथ मौनी रॉय और सोनाली बेंद्रे नजर आ रही हैं। उसी मंच पर ठीक 12 साल पहले गीता कपूर और टेरेंस लुइस नजर आते थे, लेकिन वक्त का तकाजा देखिए, आज फिर उसी मंच पर पास्ट और प्रेजेंट मास्टर्स का रीयूनियन हो रहा है, वो भी पूरे 12 साल बाद। ऐसे में जश्न तो बनता है और वजह भी दोगुनी है, होली के साथ साथ इनका संगम जो हुआ है, तभी तो इनके चेहरे पर दोस्ती का रंग साफ नजर आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है एंड ऑफ कोर्स मेरे बाकी की जो दो बच गए थे वो भी आ गए हैं, तो और मजा आ रहा है। एंड सोनाली एंड मोनी तो थे ही बिगनिंग से, एंड होली के टाइम पे यार मिल जाए तो उससे बड़ी क्या बात होगी। तो ऑफ कोर्स जय गीता टेरेंस, 12-13 साल हो गए एंड वी आर बैक अगेन एंड बहुत बहुत मज़ा आ रहा है, सो आई एम लविंग इट। नहीं वाकई में हमको हमारे स्ट्रगल के दिन याद आए, जब हम आए थे यहाँ पे और हमें कुछ नहीं पता था एंड हमने कैसे इस जर्नी को सीखा है, कैसे इसको तय किया है, ये सब बातें हुई इसी दौरान हुई। और जब DID का ट्रैक प्ले हुआ, आई थिंक ऑल ऑफ अस गॉट वेरी इमोशनल ऑन इट। बहुत सालों के बाद वो ट्रैक सुना एंड देर इज समथिंग अबाउट दैट ट्रैक, देर इज समथिंग अबाउट दैट ट्रैक, सो या इट वाज अ गुड डे टुडे। यू नो ऐसा लगता है कि हम घर वापस आ गए हैं और यू नो एक बॉन्डिंग जो हम शेयर करते हैं एंड वो शायद बहुत लोगों को कम पता है कि जब हम शो में थे तब हम एक दूसरे के साथ एक बहुत अलग तरीके से रहते थे और जब शो ख़त्म होता था हम दोस्त बन जाते थे, तो इट वॉज सच अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, सच अ ब्यूटीफुल बॉन्ड, वो कभी नहीं जाएगा। एंड DID लिटिल मास्टर्स ये ऐसा एक शो है, DID इज अ शो कि जब भी जहाँ कहीं पर हम जाते हैं, जितने भी शोज हमने किए हैं उसके बाद, लेकिन हमें जाने और पहचाने जाते हैं, सर DID वाले सर, DID वाले सर, दैट इज़ द फेम ऑफ DID। सो हम आज जो भी खाते हैं पीते हैं, जो भी हमारा जो हमें जो भी शौहरत मिली है वो DID की वजह से, वेरी ग्रेटफुल, वेरी ग्रेटफुल। यादों के भंवर में ऐसी कई कहानियां होती हैं जिसे याद करते हुए तमाम तस्वीरें नजर के सामने आ जाती हैं। ऐसे ही एक कहानी सोनाली बेंद्रे को भी याद आ गई, जब फिल्म डुप्लीकेट के सेट पर गीता कपूर सोनाली बेंद्रे को डांस सिखाया करती थी। गीता और टेरेंस को पहले से जानती हूँ और इनफैक्ट गीता तो सिखाती थी मुझे। आई नो, कैन यू इमेजिन, गीता मुझे, गीता के पास थी वो, जहाँ पे वो मुझे वो डुप्लीकेट का गाना सिखा रही थी। सो हम दूसरा वाला कर रहे थे, बट यू नो सो इट्स अ वेरी ओल्ड रिलेशनशिप एंड सो आई वुड से कि आज का दिन थोड़ा इमोशनल था, खट्टा मीठा था, कुछ पुराने दोस्त मिले, कुछ नए दोस्त बने, जय मोनी और रेमो, एंड इट वाज लवली टू हैव देम ऑल टुगेदर, इट वाज ब्यूटीफुल। डांस के मंच पर अगर मोनी रॉय मौजूद हों तो भला किसे नहीं नागिन डांस करने का मन करेगा। अब टेरेंस को ही देख लीजिए जो मोनी के साथ वो भी खुद फनकार बन गए हैं,
अब डीआईडी के मंच पर इतने साल बाद आए हैं तो मस्ती भला कहां रुकने वाली है। सर आई थिंक एक बहुत ही बैलेंस्ड आदमी है और उनको बहुत अच्छे से आता है कि कैसे एवरीथिंग इज ऑलवेज बैलेंस्ड। बट जोक्स अपार्ट, जैसा कि सोनाली मैम ने कहा है कि हम सबकी इंडिविजुअल जर्नी रही है इनके साथ। जय और मैंने साथ में ऑलमोस्ट साथ में अपने करियर्स शुरू किए थे। रेमो सर के साथ, टेरेंस सर के साथ मैंने एक शो होस्ट किया। अदरवाइज भी मैं इनसे काफ़ी बार सोशली मिलती रही हूँ। और गीता मैम ने तो मुझे मेरे पहले बॉम्बे के 3 डांसेस प्रॉपर कोरियोग्राफी, मैंने सबसे पहले डांसिंग बॉम्बे में इन्हीं से सीखी है। सो बहुत गहरा बॉन्ड है। और रेमो सर के लिए अब मैं क्या कहूँ, आई लुक अप टू हिम, आई थिंक आई लव हिम, रिस्पेक्ट हिम सो मच। टेरेंस तो एक कोरियोग्राफर के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन डीआईडी का ये मंच गवाह है कि 12 साल बाद जब टेरेंस यहाँ आए तो उनमें सिंगर की भी झलक देखने को मिली, जिनकी आवाज़ सुनकर आप भी चौंक जाएंगे कि भला टेरेंस कब से सिंगिंग करने लगे। लेकिन ज्यादा शॉक होने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत जल्द टेरेंस एक म्यूजिक वीडियो में खुद गाते और एक्टिंग करते हुए भी नजर आने वाले हैं। मैंने ट्रेनिंग ली, मैंने कोच किया अपने आप को वेस्टर्न वोकल्स में, हिंदुस्तानी क्लासिकल में 2 साल तक। और इसके बाद ये गाना जो मेरे जहन में था कि ये जो एक कंपोजर है राहुल जैन, और जिन्होंने लिखा है वंदना खंडेलवा ने लिरिक्स लिखा है, उन्होंने ये गीत सजाया था और मेरे लिए सजाया था। तो मुझे प्रैक्टिस करनी थी, मैं उनके लिए मैं तैयार था, लेकिन नहीं, मैंने बोला कि 2 साल के बाद जब मैं पूरी तैयारी के साथ मेरी आवाज़ को एकदम मजबूत बना के फिर से आऊँगा। और शुक्र है वो इंतज़ार मेरे लिए अच्छा रहा। 12 साल बाद बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन एक चीज़ जो नहीं बदली वो इनका प्यार है। आज भी गीता, टेरेंस और रेमो में वही बॉन्ड नज़र आता है जो पहले नज़र आता था। इन सब के बीच जय भानुशाली भी एंकरिंग की जड़ को आज भी मजबूती से पकड़े हुए हैं। जिंदगी में ऊपर वाला कुछ दे ना दे, लेकिन अच्छे दोस्तों का साथ हमेशा दे, क्योंकि सारी परेशानियों का हल सिर्फ दोस्त होते हैं। और हम भी यही चाहेंगे कि इनकी दोस्ती यूं ही सलामत रहे। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।